हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़ रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी भर्ती की सूचना देने के लिए या धरने की सूचना देने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सी भर्तियाँ हैं जो अधर में लटकी हैं। कुछ भर्तियों की परीक्षाएं होनी है, कुछ भर्तियों के रिजल्ट जारी होने हैं। 5-6 साल के बाद भी कुछ भर्तियां पूरी नहीं हो सकी। आयोग से जानकारी मिली है कि लोअर पीसीए 2019 इस भर्ती को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। 11 मई से इस भर्ती की डीवी शुरू होनी है। डीवी के बाद 1-2 महीने में इसका अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 3-4 महीने में इस भर्ती की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट 2016 अंतिम परिणाम को लेकर क्या जवाब मिला है, इसको देख लेते हैं। देखिए, शिकायत प्रकोष्ठ उप सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिव चयन आयोग, पिकअप भवन तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। विषय IGRS संख्या इतना के निस्तारण के संबंध में। कृपया IGRS ऑनलाइन संदर्भ के माध्यम से प्राप्त संदर्भ संख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 26 परीक्षा 2016 कनिष्ठ सहायक के अंतिम परिणाम जारी किए जाने के संबंध में अनुरोध किया है। उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इससे संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।